बात नोएडा की करते हैं। नोएडा के सेक्टर 128 के शिव मंदिर में जेआईएल रियल एस्टेट एलॉटर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य था कि जो घर उन्होंने जेपी इंफ्राट्रैक लिमिटेड से खरीदा था उस पर मालिकाना हक उन्हें जल्दी मिल जाएगा। आपको बता दें कि जेपी इंफ्राट्रैक लिमिटेड की नोएडा में बहुमंजिला इमारतें हैं। इन इमारतों में कई लोगों ने अपने अपने घर 13-14 साल पहले बुक कराए थे, लेकिन अभी तक इमारतें तैयार नहीं हुई और ना ही घरों का जो लोगों को मालिकाना हक मिला है। लगातार निराशा के बाद लोगों ने एकजुट होकर सुंदरकांड का पाठ कराया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर सहारा समय संवाददाता सरिता गुप्ता ने जेआईएल रियल एस्टेट एलॉटर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आशीष मोहन से खास बातचीत की। जेआईएल रियल एस्टेट एलॉटर्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज सुंदरकांड का पाठ किया गया और ये आयोजन किया गया और इसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे साथ आशीष मोहन गुप्ता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे जो इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। आशीष जी, ये बताइए कि इसका मेन उद्देश्य क्या रहा इस सुंदरकांड पाठ का? देखिए मैम, क्या है ना कि हम लोग तकरीबन 10-12 साल से अपने घरों के लिए फंसे हुए हैं, तो हम लोग शायद ही हमने कोई सिस्टम में छोड़ा हो प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सारे ब्यूरोक्रेसी का, जहाँ पे हमने जाके अपनी गुहार ना लगाई हो। तो अब हमें लगा कि इंसानों से तो हमने बहुत गुहार लगा ली, अब भगवान जी से गुहार लगानी चाहिए। और हनुमान जी तो बजरंगबली हैं, देखिए हनुमान जी को तो संकट मोचन कहा जाता है। तो हमने कहा एक सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, हनुमान जी को जागृत करते हैं, जिससे कि हमारे घरों की यथाशीघ्र प्राप्ति के लिए हम एक अनुष्ठान कर सकें। और हमारी आज की पूरी प्रार्थना भी हनुमान जी से यही थी कि हनुमान जी एक संजीवनी बूटी कहीं से लेकर आइए और हमारे जो मूर्छित घर पड़े हुए हैं उन मूर्छित घरों में जान फूकिए, जिससे कि हमारे घर मिले। कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? ये लड़ाई तो देखिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों ने घर खरीदे थे 2009-2010 के आसपास, तो समझिए 2-3 साल का 4 साल का पोजीशन पकड़ लें तो 13-14 से लड़ाई चल रही है। जी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से ही शायद ये घर नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड जो थी वो कंपनी इंसॉल्वेंट हुई, दिवालिया हुई, तो उसमें जो हमारे यहाँ एक देश में 2016 में नया कानून आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसमें वो कंपनी को ले लिया गया। उसके बाद वो कंपनी 2017 से इंसॉल्वेंसी में चल रही है। अभी 2023 में सुरक्षा के एक कंपनी है बॉम्बे की, उसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ मार्च 2023 में और अभी लगभग 1 साल होने को आ गया, बट उस प्लान में भी वो टेक ओवर नहीं कर पा रहे उस कंपनी को। तो टेक ओवर नहीं कर पा रहे तो हमारा काम नहीं हो रहा, तो हम तो फिर भी फंसे हुए हैं अभी। तो लग रहा है आपको कि राम जी को तो अयोध्या में अपना घर मिल गया, अब आप लोग को भी जल्दी मिल जाएगा। हाँ, तो हम ये सोचते हैं कि अब भगवान राम को मिल गया है तो कम से कम जो भगवान राम को मिलने के बाद अब शायद हमारा नंबर भी लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आशीष मोहन गुप्ता, जेआईएल रियल एस्टेट अलॉटर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, जिनका कहना ये है कि उनके जो घर हैं वो अलॉट तो हुए थे लेकिन अभी तक उनको मिल नहीं पाए हैं और यही वजह है कि सुंदरकांड का पाठ का आयोजन आज किया गया है और ये भगवान से ये दुआ मांगी गई है कि उनके घर जो है जल्द ही उन तक उनको मिल जाए, उनको अलॉट हो जाए। कैमरा पर्सन ललन कुमार के साथ सरिता गुप्ता, सहारा समय, दिल्ली।